श्री राम जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शोभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। शुक्रवार का दिन 25 अगस्त है, आज वर लक्ष्मी व्रत है, साथ ही सर्वासिद्धि योग है, सावन मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। आज अनुराधा नक्षत्र 9:14 तक शनि स्वामी है, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध स्वामी होगा। बुध और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी शुभ स्थिति से आपकी जीवन में धन दौलत बढ़ता है, जिसकी शुभ स्थिति से आपके बिगड़े काम बनते हैं और जिसकी शुभ स्थिति से जीवन की रुकावटें दूर होने लगती है। अच्छा योग है, भाग्यशाली बनाता है, जीवन में सुख संपत्ति कमाने का अवसर देता है, तरक्की उन्नति सौभाग्य के लिए सर्वासिद्धि योग बड़ा शुभ होता है। सर्वासिद्धि योग ऐसा योग है जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। जिस काम को आप लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे काम भी सर्वासिद्धि योग में पूरे हो जाते हैं। अच्छा दिन रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में विशेष कर नौकरी व्यापार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में पहले के अपेक्षा ज्यादा अच्छा योग, ज्यादा बड़ा सफलता और ज्यादा सुख पाने में आप सफल होंगे। आज आपकी कुंडली में जो ग्रहों की दशा है, हर तरह से आपके लिए उन्नति तरक्की का योग बना रहा है, पर थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आज शनि और बुध का प्रभाव है, राहु की छाया है, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है। शनि इस समय आपकी कुंडली में बुध को प्रभावित कर रहा है, समसप्तक योग बना रहा है और शनि बुध का प्रभाव भी है, लेकिन राहु बृहस्पति के साथ बैठा है और आज बृहस्पति जो है वो केतु के दृष्टि से ग्रसित हो गया है। यानी अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, सावधान होकर चतुराई से काम नहीं करेंगे, तो कोई अपना ही आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, जो अपना होने का तो दिखावा करते हैं पर अंदर से वो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। माने ऐसे लोगों से बचना है, तभी आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, तभी सकारात्मक बदलाव भी आएंगे, तभी आपके जीवन में खुशियों का माहौल भी बनेगा और अपने जीवन में आप उत्साह से भरे रहेंगे। तो हर काम को सावधानी से करें, जल्दीबाजी से काम बिगड़ सकते हैं और हर किसी पर ज्यादा भरोसा भी ना करें, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की दशा है, राहु अश्वनी नक्षत्र में केतु से प्रभावित हो गया है और केतु की दृष्टि बृहस्पति पर है और बृहस्पति भरणी नक्षत्र में शुक्र से प्रभावित है और शुक्र इस समय अश्लेषा नक्षत्र में बुध से प्रभावित है। यानी आपकी कुंडली में बुध जो है वो आज प्रबल है, जबकि शनि जिसके पराक्रम स्थान में राहु बैठा हुआ है और केतु की स्थिति बृहस्पति पर केतु की दृष्टि, संपत्ति आप तभी कमाएंगे, लाभ तभी होगा जब आप सावधान रहेंगे, हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि बजरंग बली की अपार कृपा से धन सफलता का प्रबल योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। कार्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर आपका जीवन शानदार होगा अगर आप सावधानी से काम करेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। नई नौकरी का भी योग बन रहा है जो आपको सफलता की बुलंदी पर पहुंचा सकता है।
अचानक खुशखबरी मिलने का भी योग है। जीवन में खुशियां बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हर काम को सोच समझकर, आंख खोलकर और दूसरों पर बिना भरोसा किए अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। कार्य सफल होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, जीवन में बहुत लाभ होगा, बहुत तरक्की, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि बुध का प्रभाव है, बृहस्पति शुक्र की दृष्टि है और आपके लिए आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। आज ये बुध के प्रभाव से इच्छा आपकी पूरी होगी, शनि के प्रभाव से लाभ होगा, कर्मों का सुख मिलेगा। वहीं बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि से वैभवशाली जीवन होगा, तेजस्वी पराक्रमी आप होंगे, बड़ी उपलब्धि पाएंगे, बहुत तरक्की आपकी होगी। भाग्य में सुख लिखा है, समृद्धि की प्राप्ति करेंगे, कार्य में सफलता, जीवन की स्थिति को बदलेगा, बुरी संगति से बचें, तभी जीवन खुशहाल होगा और हनुमान जी की पूजा से शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो आपके लिए आज का दिन बेहतर स्थिति का निर्माण, खुशी सौभाग्य लाभ और आपके जीवन में तरक्की उन्नति लेकर आया है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध, तृतीय चरण का स्वामी शनि है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। यानी अच्छे मन से अच्छे काम को करते जाएं, अच्छा परिणाम की प्राप्ति भी होती जाएगी, जीवन में बदलाव भी होगा, सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे और सकारात्मक फल की प्राप्ति भी होगी। स्टूडेंट के लिए समय बड़ा शुभ है, जो आपके जीवन में बहुत लाभ और बहुत तरक्की लेकर आएगा। आज राहु काल 10:46 से 12:23 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 7 होगा। सर्वा सिद्धि योग सुबह 5:55 से 9:14 का समय। अनुराधा नक्षत्र में सर्वा सिद्धि योग में किस्मत आपकी बुलंद होगी। वहीं विजय मुहूर्त 2:32 के बाद सफलता का योग है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 के बाद सुख और खुशी बढ़ेगी, जबकि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 के बाद आपके लिए शुभ दिन की शुरुआत होगा। तो समय सफलता उन्नति तरक्की के लिए शुभ है, ऐसे समय का लाभ उठाएं। और आज शनि का प्रभाव है, तो हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। आपके जीवन में बहुत लाभ, बहुत तरक्की, बहुत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।